स्ट्रेस्ड आउट, नीड अ वेकेशन, संडे का दिन है यार, घर पे बोर हो रहा था तो सोचा कहीं ना घूमने चला जाए। पुणे से सबसे नज़दीक मैं बोलूँगा कोई अच्छी जगह घूमने के लिए वो है लवासा, जो कि पुणे से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं। तो ये रही हमारी राम प्यारी, सो रेडी स्टडी पो। हम लोग सुबह 7 बजे पुणे से निकले, ये शिवाजी नगर मार्केट है, आप देख सकते हैं सारी शॉप्स अभी बंद हैं। हम लोग कोथ रोड और मुलशी रोड होते हुए हमने पिरंगुट से लवासा के लिए टर्न लिया। सड़कें इस रास्ते की काफ़ी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं पहाड़ भी दिखने शुरू हो चुके हैं। जब आप लोग लवासा जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में ये बड़ा सा डैम देखने को मिलेगा, इसे टेमघर डैम कहते हैं। पानी आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। यार नदी का नाम तो मेरे को नहीं पता है कि क्या है, बट जगह बहुत अच्छी है। मतलब सुबह के टाइम आओ, शाम के टाइम आओ, बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुझे याद है मैं एक बार मैं दोस्त के साथ आया था यहाँ पे, तब ये डैम पूरा ओवरफ्लो हो रहा था, वहाँ से पानी वानी गिर रहा था। दैट वाज ऑसम व्यू, मैं वो भी वीडियो डाल दूंगा इसके बाद, जस्ट इन्जॉय दैट। तो चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग जब अभी लवासा जा रहे हैं रास्ते में, तो रास्ते में एक बहुत सुंदर सा व्यू देखने को मिला ये डैम का ऊपर से। हम लोग अभी नीचे थे, नीचे हमने फ़ोटो वोटो खींची, तो ऊपर से वो डैम बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब कितना सारा पानी रुका हुआ है, तो बस अच्छी जगह है। मतलब आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, अच्छी जगह लग रही है। रास्ता शांत है, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, नेचर के बीच में। चलो आगे चलते हैं। तो ये रहा लवासा का गेट, हम लोग लवासा में आ चुके हैं। जब आप लोग लवासा आएंगे तो 2-व्हीलर के ₹200 और 4-व्हीलर के ₹500 चार्जेस हैं। ये बेसिकली लिया जाता है सिटी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज जब से सिटी में काम होना बंद हुआ है तो उतने ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते नहीं है, बट दे हैव टू मेंटेन द सिटी कि हाँ भाई जो लोग आ रहे हैं उनको तो अच्छी दिखे। तो इसके थ्रू आप गाड़ी अंदर कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ नहीं करनी वहाँ नहीं करनी। सो लेट्स एक्सप्लोर द लवासा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग लवासा पहुंच चुके हैं। ये मतलब पूरी लवासा द लेक सिटी है, फेमस वन। ये आप देख रहे हो डैम बना हुआ है मूला नदी के ऊपर। पुणे की जो लाइफलाइन है कही जा सकती है, दो नदियां हैं, मूला और मूठा। तो ये उनमें से एक मूला नदी के ऊपर डैम बना हुआ है। इसमें बारिश के टाइम में बेसिकली पानी इकट्ठा होता है डैम के अंदर, और ये सारा पानी सप्लाई होता है पुणे में पीने के लिए। बारिश के बाद ये पानी ख़त्म हो जाता है एक तरीके से, मतलब आप बोल लो कि फरवरी या अप्रैल तक ये पानी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये सूख जाता है और यहाँ पे जो नीचे खाई है वो दिखने लग जाती है। आप बीच में पुल देख रहे होगे, पुल बेसिकली इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इस हिस्से का पानी सप्लाई होता है और इस हिस्से का पानी इस लेक में हमेशा रहता है साल भर टू मेंटेन द सिटी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको विलास दिख रहे होंगे सिटी में सारे दूर दूर तक। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कई लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और बहुत ही आलीशान विलास बने थे यहाँ पे, तो वो सारे आप देख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पुणे में अगर आप घूमने जा रहे हो, अगर आप पुणे घूमने आए हो, आपकी बकेट लिस्ट में लवासा होना ही चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं है पुणे से यहाँ आने का, वापस जाने का हार्डली 7 से 8 घंटे का टोटल टाइम लगेगा। आप पूरी लेक सिटी घूम सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। तो हम लवासा पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये वो लेक है जो हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे, जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, मूला नदी के ऊपर बना हुआ है, जहाँ से पानी पूरे शहर को सप्लाई होता है। और ये वो ब्रिज है जो उन दोनों को डिवाइड करता है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द लेक, यहाँ पे पानी पूरे साल इकट्ठा रहता है,
यहाँ पे पानी कभी कम नहीं होता, सो दैट सिटी मेंटेन रह सके, सिटी की ब्यूटी मेंटेन रह सके, उसकी वजह से। नाउ लवासा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ कि लवासा क्या, कैसे बना है एंड ऑल। सो इटली में एक शहर है जिसका नाम है पोर्टोफिनो, उसके बेसिस पे लवासा को डिज़ाइन किया गया, आर्किटेक्चरिंग की गई। आप जितने भी घर यहाँ पे देख रहे हैं ये बने हुए, ये सब उस शहर के बेसिस पे बनाए गए हैं। नाउ लवासा इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन सिटी थी, जिसको सन 2000 में बनाना स्टार्ट किया गया, लेकिन सन 2010-2013 के आसपास बहुत सारे लीगल एलिगेशन लगे कि एनवायरमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया यहाँ पे। कुछ लोगों ने कहा कि लोगों की ज़मीन ली गई ज़बरदस्ती, मतलब बहुत सारे एलिगेशन लगाए जिसकी वजह से बंद हो गया। और जो कंपनी लवासा को बना रही थी उसको 130,000 करोड़ का घाटा हुआ। तो अभी तो ये शहर का काम बंद है, बट फिर भी ये शहर यहाँ पे पूरा रेडी है। आप आइए, आप घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं। आई वुड से अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो आपको इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी इंजॉय करने के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। ये है लवासा की छोटी सी मार्केट जो कि अभी शुरू हो चुकी है। यहाँ से ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, यहाँ पे बहुत कम दुकानें हैं और मोस्टली खाने पीने की ही दुकानें हैं। अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पे आपको सच में अच्छा खाना मिल जाएगा, किसी भी शॉप पे आप इंजॉय कर सकते हैं फूड। तो ये है वो लवासा सिटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में इतनी देर से क्या है कैसे ऐसे बता रहे थे। ओके, सो यहाँ पे कुछ शॉप्स आपको दिखेंगी, बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी है, बट अगेन अगर आप बोर हो रहे हो या फिर आप शहर की भीड़ भाड़ से निकलना चाहते हो तो दिस विल बी अ बेस्ट प्लेस टू कम एंड विजिट। पास से दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप जितने भी घर दिख रहे हैं यहाँ पे, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनी मैनी ईयर्स। हुआ क्या, जैसा कि आपको बताया था, फॉर द ऑल एलिगेशंस। नहीं तो देख रहे हो यहाँ पे स्पीकर्स लगे हैं, दे हैव अ ब्यूटीफुल लाइट्स, कलरफुल बिल्डिंग्स, रियली कलरफुल बिल्डिंग्स। और इतना सुंदर व्यू, ये वो ब्रिज है जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले थे, जहाँ से हमने वो वीडियो बनाई थी। Let's walk. Go close to water. But this is really peaceful. आप अगर यहाँ पे चाहें तो आइए दोस्तों के साथ वीकेंड पे, घंटों आप यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। अगर आप बारिश के मौसम में आएंगे, नथिंग कैन बीट दिस, दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं सब बादलों से भर जाता है, आप मानोगे नहीं बट हाँ, ये पूरा एरिया बादलों से भर जाता है। लोगों के घर की खिड़कियों के बाहर से ही बादल दिखते हैं, तो ये इतनी अच्छी जगह है। यकीन नहीं होता ना कि इतनी अच्छी शहर सिटी है और उसके बाद भी खाली पड़ी है। खैर यही ब्यूटी है कुछ चीज़ों की। यहाँ पे देखिए आपको कौन मिलेंगे, तू क्या सो रहा है। अरे हाँ ले लो तुम दोनों आपस में। जो यहाँ की हवा में जो फ्रेशनेस है, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम शांति, रियली में एकदम शांति। टूरिस्ट भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, नॉर्मल टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे। बट दिस लुक डैम ब्यूटिफुल।
ये जो मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली ये वेस्ट फेसिंग है, तो शाम को जब सनसेट होता है तो आप देख सकते हैं एकदम झील, झील के पीछे पहाड़ और उसके पीछे ऐसे पहाड़ों के पीछे सूरज छुपता हुआ। ऑसम। हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, इतनी शांति है यहाँ पे कि आप हवा की भी आवाज़ आराम से सुन सकते हैं। मतलब यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लोग अपने घरों के अंदर जैसे कि अभी भी छुप के बैठे हों और इसीलिए सड़कों पे भीड़ ना हो। ATM, अगर आपके कैश ख़त्म हो जाए तो यू कैन ऑल्सो यूज ATM एंड दैट्स इट। अ परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड योर इवनिंग, टू स्पेंड योर मॉर्निंग इन टोटली पीस। कोई शहर का हॉर्न नहीं, शोर शराबा नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल। तो यहाँ पे एक वाटर पार्क भी था जो कि सूख गया है। एक छोटा सा एक्टिविटी एरिया बना हुआ है और यहाँ पे होती है बोटिंग। बोटिंग के कुछ चार्जेस आपको दिखा देते हैं, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बोटिंग यहाँ पे बारिशों के मौसम में बंद रहती है, तो आप कह सकते हैं कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर एंड तक यहाँ पे बोटिंग बंद रहती है। ये चार्जेस हैं, ये टिकट काउंटर है आपका। तो हमने लिए कयाकिंग की टिकट, तो लेट्स गो फॉर कयाकिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे जेट स्की भी हो रही है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कयाकिंग। फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी, बट दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ एज सेट कयाकिंग। तो लवासा का ट्रिप हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। दोबारा एक बार शहर को देख लेता हूँ जाने से पहले, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है शहर। अब चलते हैं यहाँ से। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि क्या फीडबैक्स हैं या फिर आप दूसरी कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए जय सियाराम।